हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखना। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जो कि हवा से काफी ज्यादा हल्की होती है। जो हम बैलून उड़ाते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है जो हवा में उड़ती है। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पेप्सी कैन को लेंगे। पेप्सी कैन आपको पता होगा ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, और यहां से हम इसे सैंड पेपर की मदद से जो इसके ऊपर प्रिंट है उसको रिमूव कर देंगे। इस कैन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे। उससे होगा क्या, जो इसके ऊपर एल्यूमिनियम होगी वो निकल जाएगी, और जहां तक मुझे पता है इसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर एक अलग सी एक और परत होती है प्लास्टिक की, जो हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहां पर हमारे पास एक छोटा सा ग्लास है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग इतना। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने लगभग इतना पानी ले लिया है, और इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे कुछ इतना सा। ठीक है, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अभी हमें कैन को लेना है, और सैंड पेपर की मदद से इस कैन के ऊपर से इस प्रिंट को हटा देना है नीचे से, जिससे कि जो इसके अंदर ये जो हमारा सोल्यूशन है वो अच्छी तरीके से रिएक्ट कर पाए। दोस्तों अभी मैंने इसे सैंड पेपर की मदद से रफ करके इसके ऊपर से जो प्रिंट है उसको निकाल दिया है। बाकी इस पेप्सी कैन को हमें खोलना होगा, जिससे कि गर्म होने के बाद ये ब्लास्ट ना हो। तो मैं इसे खोल देता हूँ, और फिलहाल हम इसके ऊपर इस ग्लास के अंदर इसको यहाँ पर कुछ ऐसे करके डाल देंगे, और भाई इसे हम ऊपर टंगा देंगे कुछ ऐसे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्ट करना इसने चालू कर दिया है एल्यूमिनियम के साथ, और भाई थोड़ी देर में इसके अंदर से ये जो एल्यूमिनियम है वो निकल जाएगी। दोस्तों लगभग 1 घंटे बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, और अभी इस कैन को बाहर निकाल करके देखते हैं। ओ सही में यार, जो कैन के ऊपर से एल्यूमिनियम है वो निकल चुकी है। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं पहले साफ पानी से। और ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पारदर्शी आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे मेरा हाथ भी शायद आपको दिखाई दे रहा हो हल्का हल्का। थोड़ा सा से और साफ पानी के अंदर छोड़ते हैं। बाकी ये जो हमारा ग्लास है ये भी गर्म हो रखा है, और आप अंदर इसके देख सकते हैं बिल्कुल काला काला कुछ मटेरियल इकट्ठा हो गया है ग्लास के अंदर। बाकी यार जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, जो एल्यूमिनियम है वो पूरी तरीके से ऊपर से गल चुका है। जहां से हमने इसे रफ किया था रेगमाल की मदद से, वहां से बिल्कुल ये अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है, और आप देख सकते हैं कैसे यार इसने एल्यूमिनियम को खत्म कर दिया बिल्कुल। और भाई कैन भी काफी गर्म हो रही है, और मुझे लगता है कोल्ड ड्रिंक भी काफी गर्म होगी हमारी। बिल्कुल जो कैन है काफी ज्यादा हीट हो रही है, अगर इसे हम ना खोलते तो ये डेफिनेटली ब्लास्ट करती। और भाई कोल्ड ड्रिंक, ओह काफी ज्यादा गर्म है यार कोल्ड ड्रिंक। और अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर, आपको ये अंदाजा भी लग जाएगा कि फिलहाल इसके अंदर खाली पोलोथीन यहां पर है, और यहां पर आपको दिख रही होगी कोल्ड ड्रिंक भी इसके अंदर कितनी है, कितनी मात्रा में। दोस्तों ये जो पोलोथीन इसके अंदर लगाई जाती है, ये इसलिए लगाई जाती है जिससे कि जो ये कोल्ड ड्रिंक है ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट ना करे, इस वरना ये वहीं पर ही फट जाएंगे। बाकी और प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर ये यहाँ पर प्लास्टिक की पन्नी लगाई हुई है, और भाई काफी ज्यादा हार्ड पन्नी है ये, जैसे हम इसको ऐसे भी मोड़ रहे हैं तो कुछ खास इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी ये लीक हो चुके हैं कहीं ना कहीं से, और अभी बिल्कुल ये अलग हो गई उससे। और यहां पर आप देख सकते हैं जो इसकी पन्नी की थिकनेस है वो काफी है, मतलब एक बेसिक सी जो पन्नी आती है बिल्कुल उनकी तरह ही है, बिल्कुल एक वैसे तो काफी मतलब नाजुक सी प्लास्टिक दी गई है इसके अंदर। ये जो निचले वाला हिस्सा था इस कैन का वो काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल से था बना हुआ, तो
तो इसे गलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, बाकी ये भी काफी हद तक गल चुका है, आप देख सकते हैं। बाकी यार यही था आज की इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और जल्दी मिलते हैं कुछ और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।